नमस्कार दोस्त, सभ्या सचिन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है एकदम रियलिस्टिक व्लॉग। एंड आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लगभग 10 बज चुके हैं। एंड आज का पूरा मैं डे आपको शेयर करने वाला हूँ कि मैं किस तरीके सब कुछ मैनेज करता हूँ। एंड सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक दिल से थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज आप लोगों ने मुझे 0 से लेकर 5000 तक पहुंचा दिया है। तो हमारे 5K सब्सक्राइबर हो चुके, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड बस आपके लिए थैंक यू ही नहीं है भाई, गिव अवे भी आ रहा है मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था पहले ही। तो गिव अवे में आपके लिए हर वीक में गिव अवे में आपके लिए बुक जो है गिव अवे कर रहा हूँ। हर एक वीक एक विनर होगा, तो उसके लिए मैं आगे रूल्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से करना है। और इस बार मैंने रूल्स जो है वो कोई रैंडम कमेंट पिकर वाला नहीं रखा है। इस बार जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसे काफी हेल्प होगा। तो इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। एंड अगले वीक से फिर हम जो है विनर पिक करने लगेंगे। तो इस व्लॉग को एंड तक देखना, व्लॉग काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये कुछ रहा हमारा स्टडी टेबल, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड आपको दिखा भी देना चाहता हूँ भाई क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं करने वाला हूँ, आप देख लो, लगभग स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ये रहा हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 का 4th लेक्चर। तो यही मैं अभी करने वाला हूँ एंड इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं नोट्स भी बनाने वाला हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टाइमर को भी एंड स्टार्ट करता हूँ इस व्लॉग को भी। आप तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करें एंड मैं मिलता हूँ इस लेक्चर को करने के बाद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों में से काफी का क्वेश्चन आ रहा था कि आप जो है बायो के लिए कौन सा मतलब कि वन शॉट फॉलो करने वाले हो या लॉन्ग लेक्चर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी अभी कंटिन्यू चल रहा है बैच में वो तो मैं कर ही रहा हूँ। एंड जो बैकलॉग बन चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर बैकलॉग भी बन गए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। तो ये आप देख सकते हो कि ये मेरे कुछ बैकलॉग लेक्चर हैं जो कि केवल बायो के मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये वाले सब चैप्टर, 6 चैप्टर जो है मेरे बैकलॉग हैं। तो गाइस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भी बैकलॉग हुआ है इसको मैं जो है वन शॉट से करने वाला हूँ, जो कि हर संडे कर रहा हूँगा। लाइक एक चैप्टर या दो चैप्टर जो भी वर्कलोड हो संडे को, अगर वर्कलोड कम होगा तो मैं 2 चैप्टर बायो के कर लूंगा बैकलॉग में वन शॉट के थ्रू। एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा जो भी DPP आए हुए उस तरीके से। तो यही कुछ मेरा होने वाला है। एंड अभी लाइव में जो भी लेक्चर चल रहा है, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं उतने चैप्टर्स बायो में, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं लाइव में जो चल रहा है वो तो कर ही रहा हूँ। एंड उसके बाद वन शॉट के थ्रू मैं जो बैकलॉग है 6 चैप्टर के वो मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं कुछ करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जूनियर्स हैं जो 9th और 10th में, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था तो आपके लिए आ चुका है उड़ान और नीव का फास्ट ट्रैक कोर्स, जो कि नीव का होने वाला है 9th के लिए, 9th फाउंडेशन प्लस CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाएगी। एंड 10th वालों के लिए होने वाला उड़ान का फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसका कि प्राइस केवल आपको देखने को मिलने वाला है दोनों बैच का 1500। और इसके अंदर आपको डेडिकेटेड डाउट फैकल्टीज होगी एंड पूरा आपको सिलेबस कराया जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिलेगा एंड डेली 2 से 3 क्लासेस होंगे का, जो कि होगा 1 आवर 45 मिनट का। एंड साथ ही साथ आपको शेड्यूल्ड टेस्ट भी देखने को मिलेगा एंड हर क्लास के बाद आपको PDF नोट्स भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी से कम प्राइस में आपको मिल रहा है ये बैच 1500 में। और इसको और अफोर्डेबल बनाने के लिए अपने भाई का कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा कूपन कोड है SAB150। तो जाओ एंड चेकआउट करो। एंड इसकी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 19 सितंबर से, तो जल्द से जल्द जाओ एंड ज्वाइन हो जाओ। फाइनली गाइस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर से, बिकॉज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बिकॉज मैं खाते हुए मतलब कि मैगी खाते हुए देख रहा था व्लॉग्स और देखता गया लगभग आधा घंटा मैंने उसमें वेस्ट हो गया। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रियलिस्टिक व्लॉग है, तो जो मैं गलती कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ एक टारगेट सेट करो एंड उसके बाद ही उठो। मैं जैसे कि टारगेट सेट किया था कि मैं पूरा लेक्चर देखकर ही उठूंगा, बट यार भूख लगी एंड मैंने मैगी बनाया एंड खाने के लिए बैठा तो व्लॉग देखने लगा एंड तो फिर देखता गया एंड उसमें लगभग आधे घंटे मेरे वेस्ट हो गए। तो अब मैं फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ एंड आपको मैं ये छोटा सा टिप देना चाह रहा था। तो इसे अब फिर कंप्लीट करता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फाइनल का इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है न्यूरल कंट्रोल का लेक्चर नंबर 4 और इसी के साथ मैंने नोट्स भी बना लिया है। तो आप देख सकते हो ये रहा लेक्चर नंबर 4 का नोट्स। लगभग टाइम मुझे लगा 2 घंटे 13 मिनट्स इसे कंप्लीट करने में विद नोट्स। एंड अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा लगभग 5-10 मिनट का एंड उसके बाद आकर मैं DPP सॉल्व करूंगा। तो तब आपको मिलता हूँ। एंड
तो फाइनली गाइज बाहर थोड़ा आ चुका हूँ ब्रेक में, बिकॉज गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी लेक्चर रेगुलर देखते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी लेक्चर का ब्रेक हो, जैसे कि लाइव लेक्चर में भी 15 मिनट का ब्रेक होता है, रिकॉर्डेड देखते हो तो हर एक लेक्चर के बाद, 2 घंटे के लेक्चर के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए जरूर। 10 से 15 मिनट आप बाहर आके घूमो, एंड ग्रीनरी अगर आपके अगल बगल है तो उसे जरूर देखो, जिससे कि आंखों को रिलैक्स मिलेगा। एंड ये जरूर करना, ऐसा नहीं कि 15 मिनट का जो ब्रेक है उसमें आप मोबाइल ही चला रहे हो तो फिर आपको आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से जैसे ग्रीनरी आप देख सकते हो तो इस तरीके से आपको भी देखना चाहिए और काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ये एक बार आप ट्राई करके जरूर देखना, मैं हर एक ब्लॉग में बताता हूँ, तो अगर कोई न्यू व्यूअर है तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ ये चीज़। गाइस आ चुका हूँ एंड अभी इस नोट्स पर रखता हूँ साइड में एंड आता हूँ डीपीपी पर। तो डीपीपी नंबर 3 मुझे करना है, तो अब मैं इसे करता हूँ एंड उसके बाद आपको मिलूंगा। तो तब तक आप थोड़ा सा टाइमलेस एंजॉय करें, टाइमलेस पे लगा देता हूँ एंड उसके बाद आपको मिलूंगा। फाइनली गाइस सिंग सर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो 20 करेक्ट हुआ है, 2 इनकरेक्ट हुआ है एंड 90% एक्यूरेसी रहा है एंड 7 मिनट लगभग लगे हैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो फाइनली गाइस लगभग 1 बज चुके हैं और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर। तो यकीन 3.0 से करता हूँ, तो मैं अभी करने वाला हूँ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एंड आप टाइम लैप्स एंजॉय करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा पिछले साल का ही नोट्स बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं नोट्स नहीं बनाने वाला हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री का पूरा नोट्स बना हुआ है। तो मैं लेक्चर देखता हूँ 1.5x में एंड देखता हूँ कितने देर में कंप्लीट हो पाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, नोट्स तो मेरे पहले से बने हुए थे, तो इसलिए लगभग 1.5 आवर से लगभग 5-10 मिनट ज्यादा लगा है। 4 घंटे 5 मिनट में मेरे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस फाइनली टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 2:40 और अभी मैं छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लूंगा एंड उसके बाद फिर से स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का लेक्चर, जो कि होगा वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 4। तो उस समय मैं मिलता हूं एंड मिलता हूं ब्रेक के बाद। फाइनली गाइस आ चुका हूँ ब्रेक से एंड लगभग 20 मिनट का ब्रेक हो गया है, तो अभी 3 बज रहे हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स का लेक्चर, जो कि होने वाला वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 5, जिसका कि मुझे नोट्स के साथ बनाना होगा, तो नोट्स भी बनाऊंगा इसके साथ एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बस लिखूंगा एंड इंपॉर्टेंट थ्योरीज लिखूंगा। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ ये रहा लेक्चर नंबर 5, जो कि लगभग 2 घंटे का है। तो देखते हैं कितने देर लगते हैं नोट्स के साथ बनाने में एंड मैं स्टार्ट कर देता हूँ टाइमर एंड आप टाइमलेस एंजॉय करो एंड मैं एमआर सर का ये लेक्चर एंजॉय करता हूँ। फाइनली गाइस इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है ये लेक्चर भी, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो एंड लगभग टाइम जो लगा है 6 घंटे 20 मिनट में मेरा 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड इसको करने में लगभग 2 घंटे 10 मिनट लगे एंड इसी के साथ मेरा नोट्स भी बन गया है। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं करने वाला हूँ डीपीपी और लगभग टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 4:50। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ डीपीपी सॉल्व करना इस लेक्चर का। फाइनली गाइस मैंने सॉल्व कर लिया है, मैंने इनका टाइम लैप्स लेना भूल गया, तो 9 क्वेश्चन मेरे टोटल सही हुए हैं एंड 1 गलत हुआ है एंड लगभग 8 मिनट लगा मुझे इस डीपीपी को सॉल्व करने में। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 5 बज चुके हैं, आप देख ही सकते हो भाई। तो अब मैं जो है ब्रेक लूंगा एंड मैं जो है रनिंग करने जाता हूँ, तो मैं वहाँ से आता हूँ एंड उसके बाद आपको मिलता हूँ। फाइनली गाइस टाइम आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 6:30 बज चुका है एंड मैं आ चुका हूँ रनिंग करके एंड गाइस मैं आपको बता चाहता हूँ कि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नोट्स का रिवीजन। जो भी मैंने आज नोट्स बनाया है, लाइक बायो का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया एंड फिजिक्स का हो गया, वो मैं करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने डीपीपी तो कर ही लिया है, तो अभी मैं नोट्स को रिवीजन करता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको मिलूंगा। उसके बाद शायद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, लगभग बायो का करूँ या केमिस्ट्री का करूँ या फिजिक्स का, देखता हूँ जैसा भी टाइम बचेगा उस हिसाब से करूँगा। तो देखता हूँ ऐसे करने में कितने टाइम लगते हैं तीनों सब्जेक्ट के नोट्स को रिवाइज करने में, उसके बाद आपको मिलूंगा।
तो फाइनली गाइस टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 8 एंड अब मैं जो है खाना खाने जाने वाला हूँ। तो खाना खाऊंगा तो लगभग 10-15 मिनट का ब्रेक होगा। एंड साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने तीनों सब्जेक्ट का जो मैंने लेक्चर नोट्स बनाया था उसे मैंने रिवाइज कर लिया है। तो आपको मैं एक छोटा सा टिप यही दूंगा कि आप डेली जो है इस तरीके से अपने जो भी आप नोट्स बनाते हो उसे रिवाइज कर लिया करो, बिकॉज अगर आप सोचोगे कि मैं बाद में कर लूंगा तो वो बाद में नहीं कर पाओगे एंड फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए डेली का आप करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग 1.5 घंटे में मैंने तीनों सब्जेक्ट का नोट्स रिवाइज कर लिया है। एंड साथ ही साथ डीपीपी तो मैं साथ ही साथ सॉल्व कर गया था, मतलब कि लेक्चर के बाद ही कर रहा था, बिकॉज मैं रिकॉर्डेड देखता हूं। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड नहीं देखते हो, लाइव देखते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो है हर मतलब कि सॉरी लेक्चर देख लो एंड नोट्स सामने रिवीजन करो एंड नोट्स रिवीजन करने के बाद आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, उससे और आपके लिए इजी रहेगा। तो आप ये कर सकते हो। तो फाइनली गाइस टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 8:30 एंड मैं अभी करने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी का। बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर है, मैं मतलब कि ऐसे ही अल्टरनेट कोई भी चैप्टर लेता हूँ एंड उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं अभी करने वाला हूँ बेसिकली मेमोनीट ऐप से, बिकॉज गाइज अभी मुझे मन नहीं है कि मैं बुक निकालू एंड उसके बाद लिखूँ एंड इस तरीके से। तो इसलिए मैं जो है मेमोनीट ऐप से ही करूंगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी पहले से सब्सक्रिप्शन है पूरे ईयर का, तो इसलिए मैं उसी से करने वाला हूँ। और ये कोई स्पॉन्सरशिप के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं रियलिटी में कर रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब मैं ये करता हूँ। तो फाइनली का टाइम हो गया है 9:30 एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। मेमो नीट से लगभग 100+ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एंड काफी क्वेश्चन सही हुए एंड बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हुए, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। तो उसे मैंने देख लिया क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मैंने रीअटेम्प्ट फिर से कर लिया। तो अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, बिकॉज मुझे नींद भी आ रही है। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ एंड अब इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज नींद लेना भी प्रॉपर जरूरी है, बिकॉज 7 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो भाई लिया करो, बिकॉज हमें रिफ्रेश होने के लिए बहुत जरूरी है स्लीप, प्रॉपर स्लीप। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट नहीं कर पाया इस ब्लॉग में, तो इसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं भूल गया एंड अभी अब मुझे मन नहीं है यार, तो इसलिए बहुत नींद भी आ रही है। तो अब मैं जाता हूँ एंड होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ब्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।